व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रफल केप बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने टू कलर्स की फैब्रिक ली है। मैं एक फैब्रिक से, ब्लैक फैब्रिक से मैं केप बनाऊंगी और ऑरेंज फैब्रिक का मैं रफल लगाऊंगी। ये मैं अपनी रफल साड़ी के लिए बना रही हूँ। सबसे पहले आप क्लॉथ को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। यहाँ पर मैंने क्लॉथ को इस तरीके से फोर फोल्ड कर लिया है। अब आप नेक मार्क कर लीजिए। मैं यहाँ पर 2.5 इंचेस से डीप रखूँगी और इस तरीके से यहाँ पर भी 2.5 इंच पर एक मार्क कर लीजिए। अब इन पॉइंट्स को लेकर आप एक राइट एंगल ड्रॉ कर लीजिए। अब इसमें आप कर्व ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ से आप टेप रखकर मेजर कर लीजिए कि आपको कितना लेंथ चाहिए। यहाँ पर मैं 18.5 ही रख रही हूँ क्योंकि और रफल लगानी है, इसीलिए एक एप में एक क्लॉथ 18.5 ही रखूँगी। इसी तरीके से आप ऊपर के पॉइंट से टेप को घुमाते हुए 18.5 पर मार्क कर लीजिए। अब इस पॉइंट्स को आप जॉइंट कर लीजिए। इस तरीके से आपको जॉइंट करना है। अब इन मार्किंग्स पर आप कट कर लीजिए। ऊपर भी आप इसी तरीके से कट कर लीजिए। अब आपको रफल के लिए स्ट्रिप्स कट करनी है। इसके लिए आप दूसरी फैब्रिक ले लीजिए या फिर आप सेल्फ भी ले सकते हैं। इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। अभी से आप मेजर कर लीजिए आपको कितनी रफल लेंथ चाहिए। यहाँ मैं 5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। मैं स्ट्रिप्स 5 इंचेस की बनाऊँगी। इस तरीके से आप मार्क कर लीजिए और इन मार्किंग्स को आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लीजिए। ये एक स्ट्रिप की लेंथ 1 मीटर है और इसकी विड्थ 5 इंचेस की। इसी तरीके से मैंने 7 स्ट्रिप्स कट कर ली थी और इसे आप इस तरीके से फोल्ड कर स्टिच कर लीजिए। स्ट्रिप को भी आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर स्टिच करना है। और इस साइड पर आपको इसे क्लॉथ को प्लीट्स देते हुए स्टिच करना है, जैसे कि हमने रफल साड़ी को किया था। अब इसके नेक को भी आप फोल्ड कर स्टिच कर लीजिए। इसको आप डबल फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे स्टिच कर लिया है। अगर इसमें से आपका हेड ना जाए तो आपको साइड में हुक लगानी है। देखिए, आपको इसके लिए 2.5 इंच पर मार्क करना है और उसे इस तरीके से कट कर लीजिए। अब आप क्लॉथ ले लीजिए और उसे इस तरीके से कट कर लीजिए। अब इस क्लॉथ को इस तरीके से फोल्ड कर स्टिच कर लीजिए। 4 साइड्स पे भी आपको सेम तरीके से स्टिच करना है। देन आपको इस तरीके से इसके अंदर रख कर स्टिच करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इसे मैं इस तरीके से प्लेस कर फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर आपको स्टिच करनी है, देन आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर स्टिच करना होगा, तब ये कुछ इस तरीके दिखेगी। अब दूसरे पीस ऑफ क्लॉथ को भी आप इस तरह फोल्ड कर लीजिए। इसे एक साइड पर रखकर स्टिच कर लीजिए। दूसरे साइड पे हमें नहीं स्टिच करनी, सिर्फ एक साइड पर ही स्टिच करनी होगी। अब आप केप के 4 हाफ्स पर बॉल पिन्स लगा लीजिए, या फिर आप चाहे तो मार्क भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बॉल पिन्स लगा रही हूँ। ये इसलिए ताकि रफल आपको लगाने में इजी अंदाज़ा रहे कि आप कितना रफल कितने साइड पर लगा रहे हैं, आपको रफल आपके पूरे केप पर आएगा कि या नहीं। सेम प्रोसेस आपको इस रफल पर भी करनी है। सेंटर पॉइंट्स पर आप मेजर कर 4 हाफ्स कर इस तरीके से बॉल पिन्स लगा लीजिए। अभी इस रफल को आपको एडजस्ट कर इस 4 पार्ट्स पर स्टिच करना होगा। इस तरीके से आप रफल प्लेस कर लीजिए केप पर और स्टिच कर लीजिए। देखिए, मैंने इसे इस तरीके से स्टिच कर लिया है। ये इस पे मैं लेस लगाऊंगी, इसीलिए मैंने स्टिचेस ऊपर की तरफ की है। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो आप अंदर की तरफ रख कर स्टिच कीजिए। ये देखिए, मैंने इस तरह लेस लगाऊंगी पूरे केप पर और इसके नेक पर भी।
तरीके से लेस लगा लीजिए। मैंने हुक भी लगाई है, अगर आपका हेड ना जाए तो इजीली आप हुक की हेल्प से लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रफल केप रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।